बाबा एक तीसरा कष्ट जो होगा वो पुरुष चूड़े का होगा ना स्त्री चूड़े का होगा इस बार जो होगा अष्टदेव एक थोड़े ही अष्टदेव तो आठ है जैसे दो दिखे रुचि हमारे आज दूसरा चोला स्त्री चोला है पुरुष हमारे प्रकृति है जैसे पहला चोरा पुरुष चोरा है दूसरा चोरा स्त्री चोरा है स्वभाव पुरुष प्रकृति का जो तीसरा अष्टदेव है वो चोरा फीमेल का होगा या मेल का होगा स्त्री और पुरुष की बात ही नहीं है आत्मिक स्थिति बनाने की बात है वो आत्मिक स्थिति चाहे स्त्री चोला वाला हो और चाहे पुरुष चोला वाला हो जो पहले आत्मिक स्थिति बना ले कि मैं तो बाप का हो गया क्या मैं दुनिया का नहीं हूँ ये तन ये धन ये मन समय संपर्क किसकी सेवा में है बाप की सेवा में मैं रूहानी बाप का बच्चा हूँ किसी देहधारी का बच्चा देहधारी के डायरेक्शन पर चलने वाला नहीं हूँ ऐसी स्टेज जिनकी बनी होगी वो अष्ट देवों की लिस्ट में आते रहेंगे ये बात ठीक है कि अष्ट देवों की पहली पहली पहचान शुरुआत से ही एक ही होगी औरों के मुकाबले नष्टो मोहा स्मृति लब्ध जब से ज्ञान में आए होंगे तब से ही औरों की ये स्थिति प्रैक्टिकल जीवन में दिखाई नहीं देगी और उनकी प्रैक्टिकल में ये स्थिति दिखाई देगी कि जब से ज्ञान में आए हुए होंगे उन्हें वो लौकिक परिवार देह के संबंधी जैसे कि तिलांजलि दे दी एक बाप दूसरा न कोई बाबा कहते हैं जो रोते हैं वो खोते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन रोने का दरकार नहीं है जो सोया वो खोया है जो जागा वो पाए इसका अर्थ बता दो सोया माने स्थूल सोया या अज्ञान की नींद में सोया काहे में सोया ज्ञान की नींद में से ज्ञान की नींद होती ही नहीं ज्ञान का तो जागरण ही जागरण होता है अज्ञान की नींद में दुनिया जो कुछ सुनाती है वो सब है अज्ञान और एक बाप जो कुछ सुनाते हैं वो है ज्ञान उस बाप की बातों में ही मनन चिंतन मंथन रमण करता रहे तो वो सोया नहीं है वो तो सदा जागती ज्योति है और रोया बाप मिला सब कुछ मिला रोएगा कौन है जिसको बाप नहीं मिला वो रोएगा जिसको बेहद का बाप मिल गया पक्का निश्चय बुद्धि हो गया कि हमें बाप मिल गया जिस बाप से सब कुछ प्राप्ति होती है दुनिया की कोई ऐसी अप्राप्त वस्तु नहीं है जो बाप से हमको जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्त न होती हो वो क्यों रोएगा किस बात में रोएगा ऐसी कौन सी बात है जो उसके लिए रोना पैदा कर दे हाँ देवहानि में होगा तो रोएगा देवहानि ही रुलाता है दादा सचिन में चौर कला संपूर्ण होते हैं त्रेता युग में दो कला कम हो जाता है दो कला कम से कम होता है चंद्रमा अमावस्या को पूरा काला हो जाता है और पूर्णमासी को पूरा उसमें रोशनी रोशनी दिखाई पड़ती है तो कौन सी कलाएं सोलह बढ़ जाती हैं चंद्रमा की अलग अलग कलाएं बढ़ जाती हैं या कोई मेजरमेंट है जो कलाएं बढ़ाता रहता है रोशनी को जो बढ़ाता है वो मेजरमेंट है सोलह कलाएं जो हैं वो अलग अलग कलाएं नहीं है ये तो बेसिक नॉलेज में अधूरी नॉलेज होने के कारण सिखाई देते हैं
नाचने की कला, गाने की कला, नाटक कला, चित्र कला, ऐसा कुछ नहीं है। ये आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, माना कलाएं कम होती हैं, और आत्मा की शक्ति बढ़ती है माने कलाएं बढ़ती है। उसकी लिमिट है, कहां तक बढ़ेंगी? 16 कला संपूर्ण। और युगो युगों का सीमा कौन किसने लगाया? सत्ययुग से यहाँ तक, त्रेता त्रेता से यहाँ तक, द्वापर द्वापर से यहाँ तक अभी इतना सीमा कौन था उस समय? क्या पूछना चाहते हैं? माने चार युगों की लिमिट किसने लगाई? चार युगों की जो लिमिट है, उस चार युगों की लिमिट में किसने बांधा? चार अवस्थाएं हैं दुनिया की, हर चीज की चार अवस्थाएं होती हैं। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। ऐसे ही ये सृष्टि की भी चार अवस्थाएं हैं। सतो प्रधान सतयुग, सतो सामान्य त्रेता, रजो प्रधान द्वापर, तमो प्रधान कलयुग। आधा दिन है, आधी रात है। जो आधा दिन है वो है सतयुग त्रेता। 2500 वर्ष का दिन है बेहद का। यहां हम जागृत अवस्था में रहेंगे, क्या वहां हम सोने की दरकार ही नहीं, थकेंगे ही नहीं कभी, वहां दिन ही दिन होगा, वहां ज्ञान की रात्रि होगी नहीं जो हम आत्मा को भूल जाएं। और यहां तो आत्मा को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। रोज वही बात बाबा बताते हैं और रोज भूल जाते हैं, हमें शर्म भी नहीं आती। अरे बाबा को रोज रोज बतानी पड़ती है वही बात। तो यहां हम हैं अज्ञान की नींद में, क्योंकि रात्रि चल रही है ब्रह्मा की। सतयुग त्रेता में दिन ही दिन है, तो दिन और रात में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। तो ये भी ऐसे ही है सतयुग त्रेता, आधा 2500 वर्ष का दिन और 2500 वर्ष की ब्रह्मा की रात्रि। अब उसमें दो दो अवस्थाएं हैं, सतयुग त्रेता, सतो सामान्य, सतो प्रधान, वो भी आधे आधे कर दो, रात्रि को भी आधा आधा कर दो, चढ़ती हुई रात्रि और उतरती हुई रात्रि। तो चार हिस्से हो गए, चारों हिस्से बराबर बराबर होंगे या कम ज्यादा होंगे? बताओ, हैं? बराबर बराबर होंगे। अब ये पक्की बात है कि हिस्ट्री हमें जो मिल रही है वो 2500 साल की मिल रही है। मनुष्यों के पास जो भी तवारीखें मिल रही हैं, जो भी संबत मिल रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कितने साल की मिल रहे हैं? 2500 साल के। चाहे क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियन संबत हो, चाहे ख्रिस्त संबत हो, चाहे हिजरी संबत हो, चाहे ये विक्रमादित्य संबत हो, हूण संबत हो, शक संबत हो, दुनिया में जितने भी संबत हैं कितने वर्ष के अंदर के हैं? 2500 वर्ष के। ये पक्की बात है ना? तो 2500 वर्ष की गिनती क्यों की है? इससे ज्यादा की गिनती क्यों नहीं की मनुष्यों की जनरेशन ने? हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाई हो, दुनिया की सारे मनुष्यों की जनरेशन ने 2500 वर्ष की गिनती क्यों की? ना आप नहीं बोलिए, जिन्होंने प्रश्न किया उन्हें बोलने दो, ये इधर उधर देख रहे हैं। आप बात समझ रहे हैं क्या? 2500 वर्ष की गिनती की ना हर मनुष्य मात्र ने, हर धर्म संप्रदाय ने, वो क्यों की? ज्यादा क्यों नहीं की?
क्योंकि दुनिया के जितने भी धर्म संप्रदाय हैं वो 2500 वर्ष के अंदर ही दुखी हुए हैं। जब दुखी होते हैं तो दिन गिनते हैं। जब आदमी के ऊपर ज्यादा दुख पड़ता है ना तो एक एक घंटा गिना जाता है। अम्मा का बच्चा फांसी पर चढ़ने वाला हो, टाइम बता दिया तो अम्मा क्या करेगी? एक एक घंटा गिनती है, मिनट गिनती है। तो ये दुख की दुनिया है। इस दुख की दुनिया में हरेक धर्म संप्रदाय की आत्मा दिन गिनती रही है। वो 2500 वर्ष की गिनती का चक्र सबके पास है। बस इससे साबित हो गया कि दुख की दुनिया है 2500 साल की, फिर सुख की दुनिया कितने साल की होगी? वो भी 2500 साल की। दुख की दुनिया की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है, सुख की दुनिया की हिस्ट्री किसी के पास नहीं। स्वर्ग कब था, कितनी उसकी लेंथ है, कितनी लंबाई है, कब से कब तक स्वर्ग रहा, रहा रहा नहीं रहा, कहां रहा, कुछ पता नहीं। वो बाप आकर के बताते हैं, क्योंकि बाप ही सुख की दुनिया को बनाने वाला है। तो 2500 वर्ष है सुख की दुनिया, दिन जहां ठोकरें नहीं खाता है आदमी, और 2500 वर्ष है दुख की दुनिया, रात, जहां ठोकरें खाते हैं, डर लगा रहता है, पता नहीं कौन सा जानवर अभी मिल जाए हमको चीर फाड़ के खा जाए। आज के मनुष्य भी तो जानवर मिसल हो गए हैं, कब हमला करते हैं कुछ पता चलता है नहीं। तो चार हिस्सों में ये सृष्टि बटी हुई है। ये किसी ने बांटी नहीं है, ये ऑटोमेटिक बटी हुई है अनादिकाल से। इस सृष्टि का चक्र चार अवस्थाओं से पसार होता रहता है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सत्युग, त्रेता ऐसी सृष्टि है जो एक के द्वारा बनाई हुई है, और द्वैतवादी द्वापर वो हो दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक कुल, अनेक भाषाएं, ये द्वैतवादी दुनिया है। द्वैतवादी दुनिया में दुख होगा या सुख होगा? दुखी दुख होगा। एक आया उसने ये रास्ता बता दिया, वहां चल पड़े, दूसरा मिल गया, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम गलत आ गए, उधर जाओ, उधर बता दिया, तीसरा आया उसने उधर उधर मोड़ दिया, कहीं ठिकाना ही नहीं मिलता है। ढेर के ढेर रास्ता बताने वाले हो गए, जो बताने वाले हैं उन्हें खुद रास्ते का पता नहीं है। तो ये द्वैतवादी दुनिया है। द्वैतवादी दुनिया में दैत्य होते हैं। क्या? द्वैतवादी दुनिया में दैत्य होते हैं। द्वैतवादी दुनिया बनती है किसके द्वारा? दिति के द्वारा। दिति माने फटी हुई, माने विविचारिणी। विविचार से बनती है द्वैतवादी दुनिया, दुख की दुनिया, दैत्यों की दुनिया, और आदिति से बनती है सुख की दुनिया। आदिति माने कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से जो दुनिया तैयार होती है, लक्ष्मी से जो दुनिया तैयार होती है, वो स्वर्ग की दुनिया बनती है। अब आज की दुनिया का नजारा देख लो, घर घर में यही नजारा देख लो। घर की लक्ष्मी सुलक्षणी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की लक्ष्मी कुलक्षणी हो तो घर नरक बन जाए, वैश्यालय बन जाए। वैश्यालय में मारामारी होती है, शिवालय में मारामारी थोड़ी ही होती है। तो ये चार युग किसी के बनाए हुए नहीं हैं, ये ऑटोमेटिक बने बनाए हैं। सृष्टि अनादि है। हाँ बाबा, यो मान्छेको शरीर त्यो मरेपछि सकेपछि आत्मा चाहिँ यो हाम्रो शरीरसम्म मात्र हुन्छ कि पछि पनि हुन्छ ज्ञान चाहिँ?
अरे हिंदी बोलो, ए नेपाली कोई नहीं समझ में आया, आप बोलिए दोबारा बोल दो। प्रश्न कर रही है, हाँ जो आत्मा जब देह छोड़ेगी, हाँ अभी तो हमको पूरा ज्ञान मिला है, हाँ गीता ज्ञान हमको मिल गया है, आत्मा में एकदम मेमोरी कार्ड बन गया है, हाँ अब हमने देह छोड़ने का बाद, हाँ अब ये रहेगी ना नहीं रहेगी ये ज्ञान बोल सकते। अरे जब आत्मा शरीर छोड़ देगी, आत्मा शरीर से डिटैच हो गई, तो डिटैच हुई आत्मा शरीर को लेने की इच्छा क्यों करे? अगर लेने की इच्छा करे इसका मतलब डिटैच नहीं हुई, हिसाब किताब कुछ रह गया है। इच्छा मात्रम अविद्या, देह देह का सुख लेने की कोई भी इच्छा न रहे, जो भी सुख लेना है वो आत्मा का सुख लेना है। मन बुद्धि को आत्मा कहा जाता है, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। मन बुद्धि का सुख लेना, देह का सुख नहीं लेना। और अवस्थवाणी में आया है जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। वेद का अर्थ क्या? वेद का अर्थ यही है, तुम्हारी माने किसकी? तुम्हारी किसको कहा जाता है? अरे उनकी नहीं, तुम्हारी। जो सन्मुख बैठे हैं उन बच्चों से कहा कि तुम्हारी, इसकी नहीं, इसके लिए गारंटी नहीं बताई। तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब ये काम शुरू होगा। क्या? मारा मारी विनाश की दुनिया दिखाई देगी। क्यों? ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए बता रहे हैं, यह सेफ्टी नहीं है, ये सेफ्टी के लिए बात बता दी। कितनी बढ़िया बात बता दी। दुनिया का विनाश कब होगा? जब तुम्हारी कर्मातीत स्टेज बन जाएगी, तुम्हारे सारे कर्म बंधन भस्म हो जाएंगे, याद की यात्रा से हो या धर्मराज की सजाओं से हो या बीमारी बीमारी के कर्म भोग से हो, सारे कर्म बंधन जब भस्म विभूत हो जाएंगे तब ही लड़ाई शुरू होगी, नहीं तो लड़ाई शुरू नहीं हो। तुम्हारी, तुम्हारी माने किससे बात कर रहे हैं? हम बच्चे तो हैं, लेकिन हम बच्चे की परिभाषा क्या है? आज की मुरली में बता दी परिभाषा, आत्मा देह अभिमानी। क्या? देह अभिमानी बच्चों से बोला, वो देही अभिमानी बच्चों से बोला, आत्मा अभिमानी बच्चों से बोला। क्या बोला? तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी। तो क्या बाबा के सामने जितने बैठे हैं वो सारे ही बच्चों की बात है या उनकी कोई लिमिट है? क्या लिमिट है? आठ है। आठ ऐसे निकलते हैं जो देही अभिमानी बन जाते हैं, धर्मराज से सजा नहीं खाते। वो जब देही अभिमानी बनते हैं तो नई दुनिया का संगठन स्थापन हो जाता है। नई दुनिया का संगठन, वो पारिवारिक इकाई पहली तैयार होती है और बाहर की दुनिया में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब जो आत्माभिमानी बनते जाएंगे वो सेफ होते जाएंगे, वो साथ के संगठन में ऐड होते जाएंगे, फिर लड़ाई का दायरा भी बढ़ता जाएगा। 4.5 लाख आत्मा अभिमानी बन जाएंगे तो कितने लोगों का विनाश सामने आ जाएगा? 500-700 करोड़ सब लड़ाई में लड़ मरेंगे, देखने में आएगा।
ये निशानी है। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पावेंगे तो तुम बच्चों में ज्यादा से ज्यादा 4.5 लाख भी हैं और कम से कम 8 भी हैं। पहले 8 हैं और सबसे लास्ट में 4.5 लाख। सबके लिए बात लागू होती है। 4.5 लाख के अलावा और किसी के लिए ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि और बाबा के सन्मुख बैठ करके सुनते ही नहीं। सन्मुख बैठते भी हैं तो उल्टे संकल्प चलाते हैं, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते के संकल्प चलाते हैं। तो मेरे सन्मुख हैं कि विमुख हैं? वो तो विमुख हो गए। बाबा राजहंस लोही हंस और लिबरेटर का अर्थ बता दो बाबा। राजहंस लोही हंस और लिबरेटर। राजहंस रॉयल हंस होली हंस और लिबरेटर। होली हंस और लिबरेटर तो एक ही है क्या? लिबरेटर लिबरेट करने वाला कौन है? लिबरेट करना माने मुक्त करना, मुक्ति देने वाला वो एक ही है। कोई हंस राज है, जितने भी हंस हैं हंस प्रवृत्ति वाले उन सब का राजा है। और तीसरा क्या बताया? होली हंस। होली हंस नंबर वार है, उसमें भी कोई अव्वल नंबर है कोई लास्ट नंबर बनेंगे। होली हंस होंगे उनकी पहचान क्या होगी? होली माने पवित्र चीज को ही ग्रहण करेंगे या पवित्र चीज को ग्रहण करेंगे? पवित्र संकल्प होगा उसको ग्रहण करेंगे, पवित्र वाचा होगी उसको ग्रहण करेंगे, पवित्र कर्म होगा उसको ग्रहण करेंगे, नहीं तो ग्रहण नहीं करेंगे। उनको होली हंस कहा जाता है। और राज बता दिया ना, हंसों का जो राजा है। हाँ जी, कहता है पुराण में शास्त्र में रावण भगवान थे, रावण भगवान थे, रावण रावण भगवान और बलि राजा ने सर्वस्व दान किया। कौन बलि राजा है? जो अपने तन को अपने मन को अपने धन को सब गिना दे। लो गिन लो, अपने पास कुछ भी न रखे, माथा भी दे दिया। माथा माने मन, मन के संकल्प भी अर्पण कर दिए। वो भी मैं अपने तरीके से नहीं करूंगा, मन के संकल्प कैसे करूंगा? जैसे आप बताएंगे वैसे ही संकल्प करूंगा, जैसे आप चलाएंगे वैसे ही चलूंगा। तन मन धन समय संपर्क का एक एक अंश अर्पण कर देना भगवान के प्रति, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं रखना। उसको कहते हैं संपूर्ण बलि। वो राजा बलि दैत्य था या देवता कुल का था? दैत्य कुल का था। ऐसा दैत्य कुल का अगर भगवान को सब कुछ अर्पण कर दे तो देवता बनेगा या नहीं बनेगा? देवता बनता है। बावन 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 ब्राह्मण, बामन को ही ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण के रूप में भगवान आए, क्या किस रूप में आए? ब्राह्मण के रूप में। तो कौन है ब्राह्मण?
अरे वो ब्राह्मण छोटा सा कौन है? छोटा रूप धारण करके आया, बड़ा रूप धारण करके आया या छोटा रूप धारण करके आया? छोटा माने क्या? छोटा माने ऐसा रूप जो दुनिया वालों की नजर में ही नहीं बैठता, सामने से निकल जाता है, वो समझते नहीं है कौन, उसको कहते हैं बामन अंगुल का। छोटा रूप धारण किया, बिंदी बन के आता है या पहाड़ बन के आता है? हाँ, बिंदी बन के आता है। ब्रह्मा बाबा क्या बन के आए? पहाड़ बन के आए तो उनकी यादगार है हिमालय राज। पार्वती के बाप का नाम क्या था? हिमालय राज। वो बहुत ऊंचे बन के आए, हीरों के व्यापारी दुनिया में। भगवान गरीब में आता है, छोटे में आता है या बड़े में आता है? गरीब में आता है, छोटे में आता है, छोटा सा चौटा रूप धारण करके आता है, वो है ही बिंदी। और बाबा, भक्ति मार्ग में दक्षिण काली मंदिर है नेपाल में, दक्षिण काली जी हाँ। दक्षिण काली मंदिर है, उस कौन सी ज्ञान मार्ग की आत्मा की यादगार में बना हुआ, और क्यों उसको दक्षिण काली के ही रूप में पूजन करते हैं मनुष्य? अरे ये तो ज्ञान में बता दिया ना, कौन बनती है काली? जो जगदम्बा है वो ही काली का रूप धारण करती है। अब ये दूसरी बात है, कभी उत्तर काली बने कभी दक्षिण काली बने। अरे दक्षिण दिशा में कौन से धर्म वालों का राज्य रहता है? दक्षिण दिशा है अफ्रीका, अरब देश, वहां किसका राज्य है? मुसलमानों का राज्य है, विधर्मियों का राज्य है, व्यभिचारियों का राज्य है। तो अति की काली बनकर के आती है, उसको दक्षिण काली कहते हैं। उसको जब वो आती है तो जिनके जिनके सामने आती है उसको, वो सब उसको क्या कह के पुकारते हैं? माँ 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 की गुहार लगाते हैं। क्या लास्ट में जाकर के उसका राज्य आता है? फर्स्ट में कौन सी देवी का राज्य आता है? अरे सत्यों के आदि में कौन सी देवी का राज्य होता है? लक्ष्मी का। वो है गौरी और वो है काली, वो है सिर्फ भारत माता, उसको कहते हैं कन्याकुमारी। वो है जगत माता, जगत 500-700 करोड़ को कहेंगे या सिर्फ भारत को कहेंगे? 500-700 करोड़ को जगत कहा जाता है। उसमें मुसलमान भी आ गए, क्रिश्चियंस भी आ गए, बौद्ध भी आ गए, दुनिया के हर धर्म के बंगी चमार सब आ गए, सबकी अम्मा है। बंगार है उसमें, खास जब वो रूप धारण करती है इस्लामियों के नजदीक पहुंच करके, तब उसको कहा जाता है दक्षिण काली। विकराल रूप धारण करेगी या साधारण रूप धारण करेगी? विकराल रूप धारण करती है, इसलिए नेपाल में कभी भी ऐसा राज्य नहीं आया होगा। अब लोग डर रहे हैं, किसका राज्य आने वाला है? माओवादी। ओ अम्मावादी, मा ओ वादी, वादी माने बोलने वाले। क्या बोलने वाले? ओ अम्मा, ओ अम्मा, ओ अम्मा। कोई बच्चे ऐसे होते हैं अम्मा को ही बरगलाते हैं, बाप से डर लगता है, बाप झापट मार देगा, अम्मा को बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि अम्मा के पीछे बैठा कौन है, है? अम्मा के पीछे कौन बैठा है? बाप बैठा है। वो महाकाली विधवा है या सदवा है? महाकाली है, तो महाकाल भी उसके पीछे बैठा हुआ है, लेकिन भगत लोग माओ, ओ माँ, ओ माँ ऐसे ही चिल्लाएंगे।
जय माता दी, क्या बोलेंगे? जय माता दी। पिताजी का नाम लेते हैं कभी? नहीं। नेपाल में उसका राज्य आने वाला है। किसका राज्य आने वाला है? माओवादियों का। लेकिन हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दादा ये सावन महीना में हाँ। बोलबम बोलबम करके चिल्लाते हैं क्या है ये? वो कांवड़िया हैं। कांवड़िया जो होते हैं ना, वो श्रवण कुमार की यादगार मनाते हैं। श्रवण कुमार ने क्या किया? माँ बाप को कंधे पे बिठा करके उनको सब तीर्थ स्थानों में ले गए। सारे देश के जितने भी तीर्थ स्थान थे, गीता पाठशालाएं थी, वो तीर्थ स्थान है या नहीं है? वो सब तीर्थ स्थान है। तीर माने किनारा, आत्माओं को एक किनारे लगाने वाले स्थान है। तो सब तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराया। वो सोझरे थे अम्मा बाप या अंधे थे? अंधे थे। अब ब्राह्मणों की दुनिया में अंधे माँ बाप कौन है बताओ? ब्रह्म सरस्वती। उन्हें पता ही नहीं है कि बाप कौन है। पता है? और ब्रह्मा की आत्मा समझती है मैं ही बाप हूँ, मैं ही गीता का भगवान हूँ। साकार में गीता का भगवान मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो ज्ञान के सोझरे हैं कि ज्ञान के अंधे हैं? अंधे हैं। उनको कंधे पर रख करके गंगा जल लेकर के उनके बुद्धरूपी घड़े में भरते हैं और उस कांवड़ को ले जा करके शिव के ऊपर अर्पण कर देते हैं। तो ये मम्मा बाबा की आत्माएं भगवान को आज नहीं पहचानेंगी तो कभी तो पहचानेंगी कि नहीं पहचानेंगी? जब पहचानेंगी तो अर्पण हो जाएंगी। फिर गुलजार दादी में जाना बंद कर देंगी या चालू रखेंगी? फिर गुलजार दादी में जाना बंद कर देंगी। भगवान के ऊपर अर्पण हो गई फिर इधर उधर क्यों बरगलाई जाएंगे, क्यों धक्के खाएंगे? और वैतरणी नदी का पार हो गया बाबा। वैतरणी नदी इसको कहते हैं, विषय वैतरणी नदी। विषय विकार में हम रोज जो फंसते रहते हैं, क्या रोज प्रतिज्ञा करते हैं अब ये गुमूत की दुनिया हम त्याग देंगे, क्या अब हम ये सुख नहीं भोगेंगे, लेकिन रोज उसी में डूब मरते हैं। तो ये क्या है? विषय वैतरणी नदी है। इस विषय वैतरणी नदी से पार ले जाने वाला एक ही बाप खिवैया आया हुआ है। वो कहता है कि एक के पावन बनने से सब पावन बन जावेंगे और एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते। वो कौन है? ब्रह्मा वाली आत्मा। वो ब्रह्मा वाली आत्मा जो सन 87 में पीपल के पत्ते पर नवैया बनाई। काहे की नवैया बनाई? पीपल के पत्ते की नवैया। और ये संसार सागर कहो या विषय सागर कहो या विषय वैतरणी नदी कहो, उसमें वो पीपल का पत्ते की नवैया हल्की फुल्की पड़ी हुई और इतनी ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं माया के, उन तूफानों में वो नैया डूबती है उतराती है, डूबती है उतराती है। लेकिन बाप ने बोला हुआ है नैया सत्य की है, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। क्यों नहीं डूबेगी? क्योंकि उस पर वो ही आत्मा कृष्ण की विराजमान है। पीपल के पत्ते पर कौन से कौन सी आत्मा विराजमान है? वो ही कृष्ण की आत्मा विराजमान है जिसके लिए बोला है एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाएंगे। अरे ये षष्ठी रूपी वृक्ष है, इसका पहला पत्ता है कौन? कृष्ण वाली आत्मा है।
उसका उद्धार जब तक नहीं हुआ है तब तक 500-700 करोड़ पत्तों का उद्धार हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो ये विषय वैतरणी नदी में वो नवैया पड़ी हुई है, उस नवैया में कृष्ण बिठैया है, इसलिए गारंटी है कि ये नैया डूबने वाली नहीं है। इस नैया को पार ले जाने वाला बाप आया हुआ है, और बाप जिस तन में आता है उसको कहते हैं शंकर चाप जहाज। जे ही चढ़ी उतर है इंड पार नर बूढ़ सकल संसार। क्या ये कृष्ण की नैया नहीं है? किसकी नैया है? शंकर चाप, चाप माने जहाज, चाप माने धनुष, चाप माने जहाज। जैसे सिख लोग कहते हैं नानक चाप जहाज, वो नानक को जहाज बना देते हैं, लेकिन वास्तव में नानक कहो अथवा शंकर वाली आत्मा कहो, उसमें बाप बिठाई है। वो बाप उस जहाज में आया हुआ है और उस जहाज को चलाने वाला है। जो भी नवियां डूबती उतराती हैं, अगर वो सहारा ले लेंगी उस जहाज का तो विषय सागर से पार हो जाएंगी या बचेंगी? पार हो जाएंगी। फिर उन नवैयों में बिठैया भी, वो भी पार हो जाएगी। ये तिनके के सहारे पकड़े हुए हैं अज्ञानियों ने। जैसे कृष्ण की आत्मा ने पीपल का पत्ता पकड़ा हुआ है तो तिनके का सहारा है या जहाज का सहारा लिया है? तिनके का सहारा लिया हुआ। बाप कहते हैं अब ये आत्माओं के सहारे छोड़ दो, देदारियों के सहारे छोड़ दो, ये तुम्हें निस्तार करने वाले नहीं है, ये तुम्हें पार ले जाने वाले नहीं है, ये खुद भी डूबेंगे और तुम्हें भी डुबा देंगे। पार सिर्फ वो ही जाएंगे जो जहाज का सहारा लेंगे, उसका नाम है जहाज का मुरली में नाम दिया है। नाम क्या दिया है याद है? थोड़ा इशारा दे दे। वेदांत है वो जहाज का नाम पूरा बताओ। चंद्रकांत वेदांत भूल गए? मुरली सुनते जाते और भूलते जाते है। चंद्रकांत वेदांत, चंद्र की कांति है, कांति माने बच्ची है चंद्रमा की। ब्रह्मा की बच्ची कौन है? पहाड़ की बच्ची कौन है? हिमालय की बच्ची कौन है? पार्वती। तो पार्वती जिस जहाज पर सवार हो जाए, अभी डायरेक्शन क्या दिया? किसका आवाहन करो? विजयमाला का आवाहन करो, तब ही निस्तार होगा। तो वो चंद्रकांत वेदांत नाम पड़ता है उसका जहाज का। जो आसरा लेंगे वो पार जरूर जाएंगे। और स्वयंभू माने जो स्वयं पैदा हो जाए, वो स्वयंभू। औरों को अम्मा बाप पैदा करते हैं साकार में, उसको कोई साकार में पैदा करने वाला नहीं है ही नहीं, तो उसको कहते हैं स्वयंभू। क्या है? तो वो साकार, लेकिन कोई साकार उसको संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं देता, वो स्वयं ही प्रत्यक्ष होता है, वो स्वयं ही स्वयं का परिचय देता है, उसका परिचय कोई दूसरा नहीं दे सकता, न परिचय दे सकता है न प्रत्यक्ष कर सकता है। बच्चा पैदा होता है तो प्रत्यक्ष होता है ना, तो उसको कहते हैं जन्म हुआ। पेट में है तो कहेंगे गुप्त है। तो अभी जो स्वयंभू है वो गुप्त है या प्रत्यक्ष होने वाला है? अभी गुप्त है। भू माने
पैदा हो जाना भवती, पैदा हो जाएगा संसार में, सारा संसार जानेगा हाँ भगवान आ चुका है। उसे कोई पैदा नहीं करेगा, ना उसको कोई पैदा करता है, ना उसका कोई परिचय देता है, वो स्वयं ही आकर के बच्चों को अपना परिचय देता है, स्वयं ही प्रत्यक्ष होता है। ये नेपाल में है ना स्वयं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर नेपाली रहे होंगे बेहद के हैं, जहाँ वो प्रत्यक्ष हुआ होगा। हद के नेपाली या बेहद के नेपाली, नई दुनिया की पालना करने वाले या इस कलयुग की दुनिया की पालना करने वाले हैं? नई दुनिया की पालना करने वाले। तो अपने अंदर झांक के देखना है हम कितना नई दुनिया की पालना में अपना तन बंधन लगाए हुए हैं, नई दुनिया की पालना कर रहे हैं या वही पुराने पुरानी पालना कर रहे हैं बीवी बालो बच्चों की, क्या कर रहे हैं? हम नेपाली हैं, पुराना ही मनाया। अरे आप तो गीता पाठ चला रहे हैं, आप क्यों ऐसे कह रहे हैं? और बाबा, हाँ, पांडवों का वनवास किस साल शुरू हुआ? पांडवों का वनवास कब शुरू हुआ था? अरे शुरू कब हुआ था ये पता लग जाएगा। तो राम का वनवास कहो चाहे पांडवों का वनवास करो कहो, वो 13-14 साल पता लग जाएंगे कब शुरू हुआ था। बाबा ही जाने सब कुछ, बाबा ही जाने। क्यों, सबसे बड़ा पंडा कौन है? अरे पांडव हैं तो पांडवों का बड़ा पंडा भी तो कोई होगा। बड़ा पांडव कौन? अरे बड़े पांडव का नाम नहीं मालूम? युधिष्ठिर नाम है ना। तो युद्ध में स्थिर रहने वाली आत्मा कौन सी है जो शरीर छूट जाता है तो भी युद्ध में स्थिर है? ब्रह्मा वाली आत्मा। कहाँ है वो साकार में? सूक्ष्म बतन में। माना वो चंद्रमा पार्टी नहीं बजा रहा है कहीं? कहाँ है? शंकर के मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है ना, महाकाली के मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है ना। तो वो जगत पिता जगदम्बा हैं, जो 99 तक प्रत्यक्ष थे, एक जगह मौजूद थे, दुनिया की कोई भी आत्मा जाके उनसे मिल सकती थी। अब आप प्रत्यक्ष हैं कि गुप्त हैं? तो गुप्त पांडव हो गए। पहला पांडव कौन हुआ? वो युधिष्ठिर। तो जगत पिता जगदम्बा के रूप में पहले पांडव हैं, जो कब गुप्त हो गए? 99 में गुप्त हो गए। अब 99 से गिनो ना, 11 साल हुए। 99 से गिनना शुरू करेंगे तो 11 हुए कि 12 हुए? हाँ 12 होने वाले हैं, फिर 13 भी होंगे, फिर राम के वनवास के 14 भी होंगे। तो 13-14 जब तक पूरे होंगे तब तक दुनिया में भी हल्ल मची हुई है। क्या हल्ल मची हुई है? माया सभ्यता। माया सभ्यता की कैसेट सुनी? हाँ। तो दुनिया वाले भी हल्ल मचाए हुए हैं कि माया सभ्यता की कैसेट में देखो देखो क्या क्या दिखाया गया, 2012 में क्या होने वाला है। वो तो दिखाते हैं, समझाए तो नहीं सकते, वो तो सिर्फ दिखाते हैं। और यहाँ तो हिज्जे हिज्जे करके एक एक बात समझाई जाती है कि ये माया सभ्यता अब खलास होने वाली है, अब मायापति भगवान प्रत्यक्ष होने वाला है। और
बाबा है? बाबा का घर का नाम मिनी बदुमन क्यों है? क्या? बाबा का घर का नाम मिनी मधुवन क्यों है? मिनी मधुवन, मिनी मधुवन इसलिए है कि जो महामधुवन जिस समय था, पहले महामधुवन नाम था या मधुवन नाम था या मिनी मधुवन नाम था? पहले पहले मधुवन नाम था। वो मधुवन नाम ब्रह्मा कुमारियों में बेसिक नॉलेज में चलता था। जब बाप की प्रत्यक्षता हुई तो विदेशियों के द्वारा हुई या स्वदेशियों के द्वारा हुई? विदेशियों के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हुई। वो विदेशी विदेश से आकर के बाप दादा से कंप्लेंट करने लगे, बाप दादा हमने आपकी प्रत्यक्षता की ना? सही बात है ना? तो हमने जब प्रत्यक्षता की तो हमारे देश में क्यों नहीं आते? भारत में ही आते रहेंगे, बाप दादा हमारे विदेश में कब आवेंगे? तो बाप दादा ने जवाब दे दिया, क्या? जहां जहां मिनी मधुवन खोलेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। तो अब जहां जहां खुल रहे हैं वहां वहां बाप दादा जा रहे हैं। आज जो गीता पाठशाला है, उन गीता पाठशाला वालों को भी कह रहे हैं गीता पाठशाला का नक्शा ऐसा बनाओ जैसे मिनी मधुवन का नक्शा। आज वो गीता पाठशाला है, हो सकता है वो कल मिनी मधुवन बन जाए। आया नहीं? पक्का पक्का आ गया है? बारह ज्योतिर्लिंगम है, वो उनकी स्थापना इतनी दूर दूर क्यों की गई है? क्या आप वहां गए थे? कैसे ये बारह ज्योतिर्लिंगम बने? ज्योति माने क्या है? ज्योति माने, अरे काय की ज्योति? ज्ञान की ज्योति। दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो कितने भागों में बटे हुए हैं? उनके कितने ग्रुप हैं? कम से कम बारह ग्रुप हैं, बारह राशियां हैं। कोई भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं है जो इन बारह राशियों से बाहर हो। तो ये बारह ज्योतिर्लिंगम है, जिन बारह ज्योतिर्लिंगम में दुनिया का हर प्रकार का ज्ञान समाया हुआ है। तो सारी दुनिया के बीज हो गए ना है? सारी दुनिया के बीज होंगे तो सारी दुनिया में बिखरे हुए होने चाहिए या सिर्फ एक जगह होने चाहिए? बिखरे हुए होने चाहिए। अभी बाप उन बिखरे हुए बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। लास्ट जन्म में वो बिखरे हुए बच्चे ऑटोमेटिक भारत में इकट्ठे हो जाते हैं। भारत में दो हिस्से हो जाते हैं, दक्षिण भारत और उत्तर भारत। तो बारह ज्योतिर्लिंगम दक्षिण भारत है भारत का विदेश, और उत्तर भारत है स्वदेश। ये सारे भारत में बिखरे हुए हैं। उनमें स्थापना करने वाले भी चार हैं, पालना करने वाले भी चार हैं, और विनाश करने वाले भी चार हैं। शिव बाबा के पहलौटी के बच्चे कितने हैं? अरे शिव बाबा के पहलौटी के पहले पहले बच्चे कौन से हैं? अरे शिव बाबा का पूरा नाम क्या है? त्रिमूर्ति शिव। तो पहलौटी के बच्चे कितने हुए?
तीन हुए ना, एक स्थापना करने वाला, एक विनाशकारी और एक पालना करने वाला। तो ऐसे ही उन तीनों के चार चार ग्रुप हो गए, 12 हो गए। वो 12 ज्योतिर्लिंगम में 4 हैं स्थापनाकारी, 4 हैं पालनाकारी, वो हो गए अष्टदेव। स्थापना करने वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या विनाश करने वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? ये मकान तोड़ने वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या मकान बनाने वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? फिर इस मकान का रख रखाव करने वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है या तोड़ने वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? पालना करने वालों को मेहनत करनी पड़ती है। तो 8 है अष्टदेव जो स्थापना और पालना करने वाले हैं, बाकी 4 हैं नष्टदेव। वो भी उन 12 में है। दुनिया का विनाश कैसे होना है वो उनकी बुद्धि में जितना भरा हुआ है, इतना 8 की बुद्धि में नहीं भरा हुआ। अरे विनाश करने की भी तो ज्ञान है कि नहीं है? है, है ना? मकान मालिक से कहो तो मकान को गिराओ तो गिरा पाएगा? अच्छा इंजीनियर से कहो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है इसको गिराओ तो इंजीनियर गिराएगा? नहीं गिराएगा। पालना करने वालों का काम, स्थापना करने वालों का काम वो अपना अपना बटा हुआ है, वो उसी काम में सिद्ध हस्त है। और तोड़ने वाले जन्म जन्मांतर का उनका धंधा ही ये है, हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा। उनके अंदर संकल्प ही क्या चलेंगे, फाउंडेशन से ही, यज्ञ के आदि से ही, जब से ये दुनिया बनी तब से अंदर उनके एक ही संकल्प है, हे भगवान के बने बनाए घर तू बिगड़ जा। तो वो 63 जन्मों में कौन सा विशेष पार्ट बजाते हैं? विनाशकारी पार्ट बजाते हैं। इसलिए 4 हैं विनाशकारी, बाकी 8 हैं स्थापनाकारी। तो दूर दूर होने चाहिए या इकट्ठे होने चाहिए? दूर दूर है। और जी बाबा, भागीदार और छोटी माँ और कहाँ ना, ना। भागीदार और छोटी माँ, बड़ी माँ को बच्चे थे या नहीं थे? तो वो कहाँ है? वो बेहद के माँ बाप हैं, ये हद के माँ बाप हैं। हाँ? उनकी जिंदगी की सारी ताकत हद के काम में लगेगी या बेहद में लगनी चाहिए? हद के बच्चे पैदा करने में ताकत जाती है कि नहीं जाती है? शक्ति क्षीण होती है कि नहीं? तो हद की दुनिया में शक्ति क्षीण कर लेगा तो देवी देवी बनेगा? है? नहीं बनेगा। जितनी भी देवियां हैं उनको कन्या के रूप में दिखाते हैं या माता के रूप में दिखाते हैं? क्यों है? क्योंकि कन्याओं की प्योरिटी है, अक्षुण्ण बनी रहती है, नष्ट नहीं होती है। इसलिए जो निमित्त आत्माएं हैं, नियम तो यही है कि उनके द्वारा दुनिया भी बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए ताकि उनकी सारी शक्ति बेहद में लगे। तो छोटी माँ को भी हद के बच्चे नहीं होने चाहिए और बड़ी माँ को भी हद के बच्चे नहीं होने चाहिए और प्रजापिता को भी हद के बच्चे नहीं होना चाहिए, नहीं तो अधर कुमार हो गए। वो अधर कुमारी हो गई
अधर कुमारों में ज्यादा ताकत होती है या कुमारों में ज्यादा ताकत बताई? मुरली में क्या बताया? कुमारों में सबसे जास्ती ताकत होती है, कुमारियों में भी इतनी नहीं। कुमारों के लिए मालूम है क्या बोला? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, कुमार चाहे तो सारी दुनिया का विनाश कर सकते हैं, कुमार चाहे तो नई दुनिया बनाने में भगवान का सबसे ज्यादा सहयोग कर सकते हैं। तो कुमार और कुमारी जीवन की विशेषता है जबरदस्त। और माताएं भंग हो गई क्या? भंग नहीं होना है। बाबा ने बोला है माताओं को क्या बना देता हूँ? कन्या बना देता हूँ, कन्या बना देता हूँ। तो भंग नहीं होना, जब से ज्ञान में आई तब से बाप उनको क्या बनाने आया है? कन्या। अगर उसी दिन से कन्या बनने का पक्का संकल्प ले लिया, क्या कोई कितना भी हिलाए डुलाए मायावी पुरुष के रूप में स्त्री के रूप में, लेकिन बुद्धि को, बुद्धि रूपी कांटे को हिलने डुलने नहीं देना है। बाबा, पशुपति मंदिर में 1,00,000 ज्योतिर्लिंग बनाए जा रहे हैं। बनाए जा रहे हैं? एक करोड़ लिंग बना रहे हैं। अच्छा, इसका बेहद में क्या अर्थ होगा कि 1,25,000,000 के लिंग बनाए जा रहे हैं? वो ये समझते हैं कि जो 16 करोड़ संपूर्ण आत्माएं होती हैं, वो ही आत्माएं संपूर्ण आत्मा है, वो ही नर से नारायण बनने वाली आत्मा है। तो 16 कला संपूर्ण कितने होंगे? 7 युग के 4 जन्म होंगे, तब तक 1 कला ही तो कम होगी। 4 जन्म पूरे होने के बाद, उससे पहले 16 कला थे ना, तो 16 कला जो थे उनकी संख्या कितनी होगी? 1 करोड़। 14 कला तक जो थे उनकी संख्या कितनी थी? 2 करोड़। वो उन्होंने हिसाब भक्ति मार्ग में ऐसा निकाला हुआ है कि जो 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्माएं हैं, वो ही संपूर्ण आत्माएं हैं, वो ही शिव समान है, वो ही संपूर्ण बिंदी हैं, वो ही निराकारी स्टेज को पाने वाली हैं, वो ही 16 कला संपूर्ण बनती हैं, बाकी सब अधूरी हैं, खंडित लिंग, इसलिए वो 1,25,000,000 बना रहे हैं। और बाबा, पशुपतिनाथ के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में कामदेव का भी पूजन होता है। कामदेव का भी पूजन होता है, जबकि 5 विकारों से छुटकारा पाने के लिए हम पूजन करते हैं सिर्फ पशुपतिनाथ का, फिर कामदेव का क्यों पूजन होता है उधर? काम को देव कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं है? कामदेव सुंदर था या भौंडा था? सुंदर था। किसी की सुंदरता का बखान किया जाता है तो कैसे क्या करते हैं? कामदेव जैसा सुंदर है, ऐसे कहते हैं ना। तो कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में जिसकी सुंदरता का ब्रह्मा कुमारियों ने बहुत बखान किया है, वो कौन है? ब्रह्मा बाबा। फिदा हो गई, कामदेव हुआ ना, क्या हुई? वो कामदेव माने 5 विकारों में से मुख्य विकार कौन सा?
काम विकार, वो सत्वगुण में संपूर्ण नष्ट हो जाता है। काम माने इच्छा, काम माने क्या, कामना। तो सत्युग में वो काम विकार पूरा खत्म हो जाता है जब कुछ न कुछ इच्छा रहती है। पूरा खत्म हो जाता है, कुछ इच्छा नहीं रहती। अच्छा राधा कृष्ण को देखो जरा चित्र में, ये क्या कर रहे हैं देखो ना है? क्यों देख रहे है? क्यों देख रहे, इच्छा है ना? ये इच्छा मात्रम अविद्या यहाँ संगम युग में बन सकती है, इसलिए यहाँ चरती कला का युग है। सत्युग में जो जन्म लेगा पहला पत्ता, तो उसको इंद्रियों का सुख भोगने की इच्छा जरूर होगी। आंख से सुख भोगता है, दृष्टि से। तो जो दृष्टि से सुख भोगना, ये भी तो एक अंग है, है? हाँ, सूक्ष्म अंग है। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया है, हुई है काम अनंग। क्या वो स्थूल अंग का रूप धारण नहीं करेगा, दृष्टि का रूप धारण करेगा, दृष्टि से ही सुख लेंगे। कोई आंखें थोड़े ही आंखों के ऊपर चढ़ बैठती हैं, नहीं, ये जो आंखों से ज्योति निकलती है ना, और दूसरी आंख से जो ज्योति निकलती है, वो ज्योति ज्योति आपस में वाइब्रेशन वाइब्रेशन आंखों का टकराता है। उसको वाइब्रेशन को, आंख के वाइब्रेशन को, आंख की ज्योति को अंग कहेंगे? नहीं, अनंग है। तो ऐसे नहीं कि वो है ही नहीं। सत्युग में भी काम होता है, इसलिए शंकर क्या क्या बताया, पशुपतिनाथ के बाजू में कामदेव, हाँ वो कामदेव दिखाया गया। गलत दिखाया गया क्या? हाँ नहीं, नहीं? नारायण वाली आत्मा जो बनेगी फीमेल बनेगी कि मेल बनेगी? नारायण जो बनेगी आत्मा सत्युग में, फीमेल बनेगी कि मेल? माने ब्रह्मा बाबा सत्युग की बात कर रही हो कहीं? क्या, क्या कहाँ की बात कर रही? जो नारायण आत्मा बनेगी। और नारायण एक बनता है? नारायण तो नौ नौ बन जाते हैं, कौन से नारायण की बात कर रहे? फीमेल बनेगी कि मेल आत्मा? अरे अरे कौन से नारायण की बात कर रहे हैं आप? नौ नारायण हैं, नौ नारायणों में से आप किस नारायण की बात कर रहे हैं? ले मुझ गए, नहीं गद्दी नहीं चलती है, गद्दी तो आठ की है, गद्दी पे बैठते हैं आठ। ये तो बेताज बादशाह है पहला वाला, ये कोई गद्दी पद्दी नहीं लेता। हाँ जी, तो कौन से नारायण की बात कर रहे हैं आप? संगमयुगी नारायण। तो संगमयुगी नारायण क्या उसका चोला स्त्री का बन जाएगा? ऐसा संभव है? नहीं, नहीं? स्त्री का चोला बन जाना ये अच्छी बात है खराब बात है? इस जन्म में पुरुष हो, इसी जन्म में स्त्री बन जाए। अरे स्त्री से पुरुष बन जाए तो छोड़ो, अच्छी बात है, है? लेकिन पुरुष होकर के भी स्त्री बन जाए, स्त्री आधीन होगी या पराधीन होगी? आधीन हो जाएगी, तो वो अच्छी बात नहीं है। आपको ये पॉइंट किसने दे दिया? है ऐसे जैसे हम लोग स्त्री है ना बाबा, नारायण पर पास सकते हैं कि नहीं? है इससे नारायण पर मिल सकता है कि नहीं? नारायण तो नौ ही बनेंगे कि नौ से ज्यादा नारायण बन जाएंगे? हाँ, नारायण समान बन सकते हैं। क्या नारायण बनेंगे या नारायण समान बनेंगे? नारायण समान बनेंगे, तो स्त्री चोले भी नारायण समान बन सकते हैं। हाँ बाबा,
वो सेवा करने के लिए पूछना नहीं चाहिए दादा उनसे, फिर कार्य करने में दान देने के लिए सेवा करना भी एक दान है कि नहीं है, वो भी पूछ पूछ के करने की क्या दरकार, सेवा करना है कौन मना करेगा, सेवा करो, तन से करो, धन से करो, मन से करो, समय से करो, संपर्क से करो, पूछे ये सेवा करें, अरे करने में अच्छा काम करने के लिए कौन मना करेगा, सेवा करो, डिस सर्विस में करो, हाँ जी। जिस समय में बाबा की जिंदगी में एक आकार देखा है ना, उसका अर्थ क्या बोला, बाबा की प्रकृति में दृष्टि लेते वक्त इन्हें एस दिखाई दिया, नहीं नहीं यही बाबा ऐसे दिखाई दिया ना, हाँ क्या दिखाई दिया, इंग्लिश का एस अल्फाबेट दिखाई दिया बाबा ही ने दृष्टि लेते वक्त, उसका अर्थ पूछ रहे हैं, यस माने हाँ नेगेटिव नहीं है ना, हाँ तो पॉजिटिव देखो अच्छी बात है, कभी कभी चंद्रमा आधा चंद्रमा है, कभी कभी आधा चंद्रमा, हाँ हाँ चंद्रमा दिखाई पड़ता है कभी कभी, और न दिखाई पड़ेगा तो चंद्रमा नहीं है, है? दिखाई पड़ेगा तो भी है, न दिखाई पड़ेगा तो भी, ज्ञान से तो समझ लिया, दिखाई पड़ना माने साक्षात्कार होना, साक्षात्कार होने वालों को ज्ञानी कहेंगे या भगत कहेंगे, क्या कहेंगे, साक्षात्कार की तो इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, क्यों करें साक्षात्कार, जितनों जितनों ने साक्षात्कार किया बेसिक में वो एडवांस में आए नहीं आए, पद ही नीचा हो गया, और जिन्होंने साक्षात्कार नहीं किया वो देखो आ गए, तो साक्षात्कार की तो इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, अगर हो भी जाए जैसे सुनी सुनी ने अनसुनी कर दी, ऐसे देखा देखा अनदेखा कर दिया, और बाबा ये सीढ़ी के चित्र में एक नेता जी दिखाया है सफेद वस्त्र, सीढ़ी के चित्र में सबसे नीचे एक सफेद धारी वो जो नेता देकर दिखाया है, वो कौन सा आत्मा है जो नेतागिरी करता है, नेता का मतलब क्या होता है, नेता का अर्थ ही है ले जाने वाला, रास्ता दिखाता है इस रास्ते पे चलो, नेता माने जनता पार्टी के रास्ते पे चलो, कांग्रेस पार्टी के रास्ते पे चलो, कम्युनिस्ट पार्टी के रास्ते पे चलो, जो रास्ता दिखाता है उसको नेता कहते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे नेता हैं, शिव बाबा बताओ बताओ करके एक पुकार, हाँ बाबा बताओ बताओ लाभ, हाँ वो जो सफेद अचकन पहने हुए है और चूड़ीदार पैजामा पहने हुए है, सर पर टोपी लगाए हुए है, वो यज्ञ के पुरानी पुराने फोटो देखो ज्ञानामृत पत्रिका में सुना, और उन फोटो में देखो कि कौन सा फोटो है जो अचकन पहनता है और चूड़ीदार पैजामा पहनता है और टोपी लगाता है, जहां कहीं भी कॉन्फ्रेंस होगी, जहां कहीं भी बड़ा प्रोग्राम भाषण का होगा तो ऐसी ऐसी वेशभूषा ले जाके वो अपना काम करेगा, देखो वो विशेष आत्मा, तो देखो ना उसमें, हम क्यों बताएं, वो ज्ञानावृत पत्रिका में देखो, और बहुतों ने देखा भी होगा, जो गेस किया है वही होगा सर, हाँ जो मैंने गेस किया है, क्या गेस किया है वही होगा, आपने क्या गेस किया आज बता दी इस परिवार में
आपने क्या गेस किया? रमेश भाई है। रमेश भाई तो वो तो पेंट कोट पहनने वाला आदमी है, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पहचान में नहीं आ रहा है जल्दी हो सकता तो मालूम है। फिर बाद में क्या किया, जब एडवांस पार्टी ने ये उद्घाटन किया तो बाद में उन्होंने सीढ़ी का चित्र दूसरा बना दिया, उस दूसरे चित्र में एक धोती वाला दिखा दिया और एक कुर्ते वाला दिखा दिया धोती और कुर्ता वाला। वो ऐसा करने वाला है, हाशिए बाबा बचाओ। उससे साबित नहीं हुआ तो 8-10 मुकदमे ठोंक दिए क्रिमिनल केस के। चलो ऐसे तो साबित हो जाएगा, तो भी साबित नहीं हुआ। अभी भी एक केस चल रहा है किसके ऊपर, उन्होंने जो चित्र बनाया धोती कुर्ते वाले का। चलो।